तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारे श्रावस्ती जनपद के एक व्यक्ति हैं जो कि राजस्थान के कोटा में गायब हो गए हैं। आज 3 दिन से उनकी तलाश चल रही है, लेकिन उनका कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। ये स्क्रीन पर आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवगढ़ कला गाँव के निवासी हैं। इनका नाम है मोहित। ये अपने भाई के साथ श्रावस्ती आ रहे थे अंकलेश्वर से, और रास्ते में कोटा, जो राजस्थान में कोटा रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां से गायब हो गए हैं। इनकी जो मानसिक स्थिति है, इनका जो मानसिक संतुलन है, वो थोड़ा सा खराब है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस तस्वीर को आप लोग गौर से देख लीजिए। अगर आप लोग इस व्यक्ति को कहीं भी देखें, किसी भी स्टेट में, कहीं भी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, या फिर देवीपाटन मंडल में, बहराइच, बलरामपुर, कोटा, या किसी रेलवे स्टेशन पर या किसी बस स्टेशन पर, तो आप लोग सूचना दें। इनके परिवार वालों ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति मोहित का पता बताएगा, उसे 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा हमारे चैनल पर। एक बात और आपको बता दें दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि हमारे देवीपाटन मंडल से बहुत सारे लोग गायब हैं, जिनकी तलाश में उनके परिवार के लोग जुटे हैं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति इस तरीके से लावारिस कहीं भी दिखाई पड़ता है, मिलता है, तो आप लोग उसका वीडियो बना करके हमारे चैनल को भेजें। हम अपने चैनल के माध्यम से उनके परिवार वालों का पता लगाते हैं और उनके घर पर उनको पहुँचाते हैं। ये मोहित के लड़के हैं जो कि शिवगढ़ कला से आए हैं। अभी हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कपड़ा वगैरह पहने हुए हैं, और जो मानसिक स्थिति उनकी ख़राब है तो कितनी ख़राब है, क्या अगर वो किसी को मिलते हैं तो अपना नाम पता बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। इधर ये भैया, क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। समीउल्लाह, बताओ घर कहाँ पड़ेगा आपका? शिवगढ़ कला। अच्छा, ये आपके पिताजी 3 दिन से गायब हैं, कहाँ कहाँ आप लोग तलाश किए? राजस्थान में पूरा, वहाँ पर लोग लगे हुए हैं। हाँ, 4 भाई लगे हैं हमारे। यदि कोई ला करके आपके घर छोड़ देता है तो या पहुँचा देता है तो उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति खराब है, तो मानसिक स्थिति कितना खराब है? जैसे अगर कोई पूछेगा किस जिले में रहते हो तो बता ले जाएंगे? बता देंगे। बता देंगे, ठीक। तो इनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि मानसिक स्थिति इतनी नहीं खराब है, अगर उनसे कोई पता पूछेगा तो वो पता बता ले जाएंगे कि वो श्रावस्ती में रहते हैं। चूँकि उनका दिमाग थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसीलिए यहाँ वहाँ भटक गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इनका मोबाइल नंबर हम नीचे दे रहे हैं। अगर आपको कहीं भी जानकारी मिलती है मोहित के बारे में, तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पर सूचना दें। और ये स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि इनका 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं से पता लग जाए। क्या नाम भैया आपका? समीउल्लाह। समीउल्लाह, ये बताओ कहाँ से आए हैं आप? शिवगढ़ कला। कौन सा जिला है? श्रावस्ती। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके कोई रिश्तेदार कौन है? हमारे पिताजी। आपके पिताजी हैं? आपके पिताजी राजस्थान के कोटा में गायब हो गए हैं जी। इनके बारे में बताइए कि ये कैसे, कहाँ, कब, किस जगह उतरे, क्या हुलिया है उनका, क्या कपड़ा पहने हुए हैं, क्या रंग है, किसके साथ गए थे, कहाँ आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, पूरी जानकारी दीजिए। हमारे भाई के साथ में आ रहे थे अंकलेश्वर से, अवध एक्सप्रेस पकड़ के आ रहे थे, रास्ते में कोटे में गायब हो गए। कोटा राजस्थान। राजस्थान। अच्छा, गायब कैसे हुए? जैसे मंद बुद्धि है? मंद बुद्धि। अच्छा, कैसे गायब हुए हैं? जैसे ट्रेन से उतरे? ट्रेन से 7 तारीख को 1:30 पे। अच्छा, क्या नाम है उनका? मोहित। मोहित, ये श्रावस्ती में कहाँ के रहने वाले हैं? शिवगढ़ कला। श्रावस्ती में शिवगढ़ कला के रहने वाले हैं, मोहित नाम है जी। राजस्थान कोटा से गायब हुए, रेलवे स्टेशन पे गायब हुए जी। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने कोई गुमसुदगी वगैरह लिखाई है? थाने में लिखवाया जी। अच्छा, कितना दिन हो गया नहीं मिले हैं? 3 दिन हुआ आज। 3 दिन जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत सारे लोग हमारे फॉलोअर वहाँ राजस्थान में हैं, हर जगह पर हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? ढूंढ के दे, उनके इनाम 10,000 इनाम देंगे जी।